रोयलगंज समाचार 2022 के चुनाव में आपके लिए ला रहा है यूपी में किसका कुर्सी का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव देखना न भूलें। यूपी में किसका कुर्सी का सिर्फ रोयलगंज समाचार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोयलगंज समाचार, मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों का। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव करीब आते ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो भाई, इस बार चुनावी मुद्दा विकास नहीं बल्कि कोरोना है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया है, जिसे सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा ने अखिलेश के सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। जिस समय लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए। जो तड़पते हुए लोगों की जान गई है, उसके जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार है। ये सरकार का बयान आना, ये कहना कि बिना ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ये सबसे बड़ा झूठ भारतीय जनता पार्टी का है। जनता ने देखा है कि किस तरीके से अपने हाल पे छोड़ दिया था उन्हें। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश में ऑक्सीजन के कारण मौतें हुई हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऑक्सीजन का कोई मामला नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अखिलेश को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी ऑक्सीजन की कमी होने से किसी की मौत नहीं हुई। क्योंकि दूसरी लहर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान चला था, कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं, बहुत सारे प्लांट लगाए हैं, वेंटिलेटर हैं, किसी तरीके किसी भी कमी के कारण किसी की व्यक्ति की मौत नहीं हुई। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी ऑक्सीजन को लेकर के ज़्यादा जोर दे रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो सच्चाई है ना। देखिए, आप बात ही नहीं समझे। हम ये कहना, हमारी सरकार चाह रही है सरप्लस, हर चीज़ सरप्लस होनी चाहिए। वेंटिलेटर सरप्लस होने चाहिए, डॉक्टर सरप्लस होने चाहिए, दवाइयाँ सरप्लस होने चाहिए, ऑक्सीजन सरप्लस होने चाहिए। मैं तो अभी अपनी विधानसभा में बहुत बड़ा गैस का प्लांट लगवाया है कैतान के माध्यम से। कहने का मतलब है कि हमारी तो यहाँ कोई कमी ना रहे, अगर और भी किसी प्रदेश में कमी है तो उसको हम पूरी कर सकें। मतलब अखिलेश पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं? मैं कहता हूँ उन्हें जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कभी गंभीरता से इस महामारी को लिया ही नहीं है, उन्होंने तंज के रूप में लिया है। कभी सहयोग की बात ही नहीं करी कि ये जो महामारी है ये कहीं सरकारों की नहीं है, ये तो आपदा है, किसी भी वक्त किसी भी समय किसी भी दिन किसी भी तारीख को आ सकती है। मगर हाँ, इसको लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, मगर इनका विपक्ष वालों का कोई भी सार्थक वो नहीं रहा। हमेशा टॉन्ट और विपक्ष की राजनीति के तहत मुखालफत करने की आदत पड़ गई है। एक बात साफ है कि जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख, उन्होंने साफ कह दिया कि विपक्ष का कोई भी चीज़ ठीक ठाक नहीं है। बहरहाल, अखिलेश यादव पहले इस चीज़ की जानकारी करें, फिर बात करें। सरकार का कहना है ऑक्सीजन कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही देखा गया था। गलत बोल रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं ऐसा, कि आप खुद सोचिए कि ये जो स्वास्थ्य है वो राज्य का विषय है, और केंद्र हमेशा पूछता है राज्य से और डीएम भी शासन से कि भाई आप हमको ये सूचित करिए कि कितने लोगों की मृत्यु किस कारण से हुई, किस बीमारी से हुई, किस स्थिति में हुई। अगर आपदा से हुई हो, बिजली गिरने से हुई हो, आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से हुई हो, या कैंसर हुआ हो, तपेदिक हुआ हो, डेंगू हुआ हो, या कोविड हुआ हो, जितनी भी राज्य हैं उन सब ने ये लिख कर भेजा कि कोविड से डेथ हुई, ऑक्सीजन से हमारे यहाँ डेथ नहीं हुई, मृत्यु नहीं। तो ना जिलाधिकारी लिख रहे हैं, ना तो कहाँ से अंक संख्या दे रहे हैं। संख्या तो तभी देंगे ना जो लोग शोर मचा रहे हैं। केरल है, महाराष्ट्र है, आप देखिए पंजाब है, दिल्ली है, आंकड़े उठाकर देखिए 40% से ज़्यादा तो सारे का यहाँ पर मृत्यु हुई है। एक ने भी ये नहीं लिखा कि ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। वो लोग तो ये मानकर चल रहे हैं कि कह रहे हैं कि बस कोविड से हुई, हार्ट फेलियर हुआ, जो भी है। तो सरकार तो वही बोलेगी ना जो उसके पास आंकड़े हैं। हमारे मंत्री ने क्या कहा? हमारे मंत्री ने इतना ही कहा कि भाई हमारे पास, हम कैसे जानेंगे, हमने आंकड़े मांगे, आपने आंकड़े दिए, हमने संकलित कर दिए, आप और दूसरे आंकड़े भेजिए, चाहे ना सरकार करे।
राज्य सरकारें अगर नए आंकड़े भेजेगी, हम उसको भी संकलित करके पारदर्शी तरीके से जनता के समक्ष रख देंगे। ये अननेसेसरी विवाद पैदा करना ये विपक्ष का काम हो गया, मुद्दा ही विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम किए जा रही है, मोदी सरकार काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में हुई मौतों पर घमासान मचा हुआ है, आखिर क्या है पूरा घमासान? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से हमारे एडिटर रवि सक्सेना जी। रवि जी से जानेंगे कि आखिर ऑक्सीजन की कमी पर क्या घमासान मचा हुआ है। हाँ शीतल, आपकी बात जो आप पूछ रही हैं मुझसे कि ऑक्सीजन को लेकर जो मुद्दा चल रहा है इस समय देश में, एक बात तो साफ है कि देश की जनता ने जो कोरोना काल में, जो 2020 में 2021 में जो समय काटा है वो किसी से छुपा नहीं है। सबने देखा है कि ऑक्सीजन की कमी कितनी थी, लोग कैसे तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मारा मारी हो रही थी। लेकिन जो भारत सरकार को ज़्यादातर राज्यों ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें मौतों का जिक्र किया तो किया है, लेकिन उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हुई है। लेकिन एक बात साफ है, जो देश ने देखा है उसको कैसे आप नकार सकते हैं, कैसे उस पर आप पर्दा डाल सकते हैं? लेकिन एक बात साफ है कि अभी अखिलेश यादव जब आजम खान से मिलने गए थे तब भी उन्होंने मुद्दा उठाया था कि देश में ज़्यादातर मौतें जो हुई हैं ऑक्सीजन के कमी के कारण हुई हैं, सरकार उस पर पर्दा डाल रही है, ये सारे मुद्दे उठा रही हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार है उसकी एक महिला मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं रीता बहुगुणा, वो अपना जन्मदिन मनाने मथुरा पहुंची हैं और मथुरा में उन्होंने मीडिया से कहा है कि अखिलेश यादव ये सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं, जबकि फैक्ट ये है कि जो केंद्र सरकार को ज़्यादातर राज्यों ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी कारण मौतें हुई हैं। लेकिन एक बात शीतल हम बता दें कि जो देश ने अभी 2021 में मार्च में जो देखा था, लोग मारा मारी थी ऑक्सीजन को लेकर के, तो सरकार ये इन चीज़ों पर पर्दा कैसे डाल सकती है जो पूरा देश देख रहा है सरकार के। लेकिन एक बात है कि जहाँ सरकारें कांग्रेस की हैं वहाँ खुल के उन्होंने कहा है, पंजाब है, पंजाब ने खुल के कहा कि ऑक्सीजन कमी थी, उत्तर प्रदेश में भी कमी रही है। लेकिन हाँ एक बात साफ है कि इस समय सरकारें जो भारत सरकार है या हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है उसने तीसरी लहर की तैयारी की है। तीसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ना हो इसको लेकर के जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो साफ है देश ने देखा था कि सरकार के दावे क्या हैं और ऑक्सीजन क्या कितनी मिली, सिलेंडर कहाँ पहुँच गए। जो सिलेंडर ऑक्सीजन का बड़ा वाला मार्केट में 12,000 का मिलता था वो 50,000 में मिला, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी हुई थी। हम अपने स्क्रीन पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कैसे लोग तड़फ रहे हैं। जो अभी तीसरी लहर आने को है और दूसरी लहर में लोग तड़फ रहे थे ऑक्सीजन कमी को लेकर के, उनके परिवार के लोग परेशान थे कि भाई ऑक्सीजन जो हमको नहीं मिल पा रही है, लोग गुहार लगा रहे थे, पुलिस के सामने लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे कि साहब एक सिलेंडर दिला दीजिए, मेरा परिवार का जो बंदा है वो बच जाएगा, उस बंदे की जान कीमत है, आप हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कराइए। लेकिन सरकार को और राज्यों ने रिपोर्ट भेजी है शीतल, उससे साफ होता है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के मुद्दे को दबाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो आगामी चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना है उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का मुद्दा लेकर बैठेगा, ये बात बिल्कुल तय है शीतल। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना यह होगा क्या इस बार चुनावी मुद्दा कोरोना होगा या विकास। वैसे एक बात तो तय है कि इस बार भाजपा सरकार ने जितने भी विरोधियों के द्वारा मुद्दे लाए जा रहे हैं वे सब खारिज कर दिए गए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में क्या कुछ देखने को मिलेगा।